जी सर हो गया। आप बीच में सेल्फी कर रहे हैं जी, एक बार फिर जो है अजमेर शरीफ को लेकर के पांच सवालों का जवाब चाह रहे हैं सर। निकाला जल्दी जल्दी निकाला। यान ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज, कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन कालिस्थान बेगूसराय। बेगूसराय में पहली बार कोलकाता का फेमस इंडियन सिल्क हाउस एजेंसीज लाया है। आपके मनपसंद की साड़ियां ही साड़ियां हमारे यहाँ, सिल्क की साड़ी मात्र 1000 से। हमारे यहाँ शादी को लेकर कांजीवरम, कांचीपुरम, स्वर्णचुरी, बनारसी, शिफोन साड़ी आदि का विशाल संग्रह। हमारा पता काली मंदिर से दक्षिण बीपी स्कूल से हेमरा रोड, टाइटन शोरूम के ऊपर में। मोबाइल नंबर 9241777693। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के सर्किट हाउस के पास हूं और अभी यहां से कुछ देर पहले ही बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता की। बिहार के दौरे पर इसी के तहत बेगूसराय आए हैं। रात्रि विश्राम के बाद अभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बेगूसराय के बारे में जो समस्या है उससे अवगत होंगे। और इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दिव्यांगों का और बुजुर्गों का जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसे 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया करेंगे। ये बड़ी घोषणा है तेजस्वी यादव की। उन्होंने साफ साफ कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत इन तमाम लोगों को फायदा दिया जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने और क्या कहा, किस तरह से नीतीश कुमार पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा। जिस कार्यक्रम में आज हम लोग बेगूसराय पहुंचे हैं उसका मकसद और इस कार्यक्रम का जो नाम है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम, इसमें मकसद यही है कि जो हम लोगों के जो पार्टी का जो कैडर है, जो संगठन है, हम सब लोग जो है नेता, सब लोग जो ग्रास रूट पे, जो हमारे पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जो हमारे वार्ड लेवल पे जो हमारे वर्कर हैं उनसे संवाद करने का कार्यक्रम है और किस तरीके से संगठन को और विस्तार किया जाए, मजबूत किया जाए, इस मकसद से हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप सब लोगों को पता है जो जमीनी स्तर पे रहता है, जो पंचायतों में रहता है, जो ब्लॉकों में रहता है, उन सबको वहाँ की समस्या पता है। फायदा होता है कि पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं से तो मुलाकात होती है, साथ ही साथ उस पंचायत की, इस बूथ की क्या समस्या है, क्या दिक्कतें आती हैं,
इस पे भी हम लोगों को जानकारी और फीडबैक जो है माननीय कार्यकर्ता सब लोग देने का काम करते हैं। और हम लोगों ने तय किया हमारी पार्टी में कि जिस प्रकार से जो सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है मात्र 400 रुपए जो है मिलता है, चाहे दिव्यांग हो हमारे या जो विधवा बहनें हैं माताएं हैं उनको मात्र सुरक्षा पेंशन में जो है 400 रुपए मिलता है। हम लोगों ने तय किया है कि सुरक्षा पेंशन योजना और जो वृद्ध पेंशन जो है, जो बुजुर्गों का जो है वृद्धा पेंशन, उसको हम लोग जो है बढ़ा करके अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपए हम लोग जो है तय किया है कि इसको करेंगे। और लोगों की मांग है, कई बार लोग जो है दरखास्त करते हैं और हमको लगता है कि एकदम पॉसिबल है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं प्रण लिया था और केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया, और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि असंभव है, 20 में कहां से लाएगा पैसे, लेकिन उन्हीं के हाथों हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम। बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, गरीबी है, पलायन है, महंगाई से लोग जो है परेशान है, बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। इसके तहत जो है हम सब लोग बिहार घूम रहे हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। पता चल रहा है कि लोग जमीन सर्वे से जो लोग हैं परेशान हैं, स्मार्ट मीटर बिजली के बिल से लोग जो है परेशान हैं, और हम लोगों को तब एहसास हुआ कि इसमें हम लोगों को सदन से सड़क तक आवाज उठाना। स्मार्ट मीटर के तहत हम लोगों ने सदन में भी इस सवाल को उठाया और सड़क पर भी इस सवाल को उठाया, और हम लोगों ने कई बार कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और यही नहीं करेंगे, अभी हम लोगों की कोशिश भी होगी कि अभी जो मौजूदा सरकार है उससे भी 200 फ्री यूनिट बिजली जो है हम लोग दिलवाने का काम करें। और मुझे लगता है कि इसमें हम विपक्ष मजबूर करेगा सरकार को कि किसी भी हालत में 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को मिले, और स्मार्ट मीटर से भी जो परेशानी जो लोगों को हो रही है इस समस्या का हल हो। देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है अब खत्म हो चुका है, अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार नहीं चला पा रहे हैं, थके हुए हैं। कुछ चंद अधिकारी हैं, कुछ चंद उनके आसपास जो लोग हैं उनका चेहरे का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषण देने से भी मना कर दिया गया। पूरे विधानसभा सत्र में जो अभी सत्र हुआ था, एक शब्द भी दोनों सदन में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, एक शब्द भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीर विषयों पर कोई बात सदन में नहीं कहा। ये पहली बार ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ है, क्या है? मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, सबकी अपेक्षा होती है, उम्मीदें होती है कि गंभीर से गंभीर मसले जो जनता की जो समस्याएं हैं या जो विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उस पर कुछ वक्तव्य दें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक इशू पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, अब वो बोलने नहीं दिया जा रहा है या क्या कारण है ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से प्रशासन चल रहा है, पूरे बिहार में अफसरशाही जो है लागू हो चुकी है, ब्लॉक थाना चले जाइए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा, अपराध जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, अपराध का तो हम लगातार जो है बुलेटिन जारी करते हैं, कितने वारदात हो रहे हैं, हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे मामले हैं, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, कोई
भी पीड़ित परिवार है या पीड़ित व्यक्ति है उसको इंसाफ ये लोग नहीं दिला पा रहे। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जीरो है। कोर्ट जाते जाते तो जो अपराधी भी होता है वो भी बड़ी हो जाता है, ये स्थिति बनी हुई है। तो पूरे बिहार में आप देखिएगा मौजूदा जो सरकार है, हम लोगों की अपेक्षा थी चलो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी अब जो है इतनी सीटें ले आए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। आज भी देखिएगा कि जो समर्थन जो नीतीश कुमार जी का है, समर्थन के अब तो सरकार के पार्ट है। अगर बिहार में इतना वोट इतने एमपी मोदी जी को दिए लगातार तीन टर्म से, तीन बार लगातार, बिहार को इसके अवज में क्या मिला? यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे विशेष राज का दर्जा नहीं मांग करते थे, हम लोगों की पुरानी मांग थी पार्टी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या सदन में हो या दिल्ली भी गए, किस लिए गए? बिहार को विशेष राज का दर्जा है। अब कौन देगा विशेष राज का दर्जा? सरकार में बैठे हुए कौन? वही बीजेपी के लोग, उन्होंने तो मना कर दिया विशेष राज का दर्जा नहीं देगा। आज नीतीश कुमार जी की ऐसी स्थिति है, अगर अब नहीं विशेष राज का दर्जा दिला पाएंगे क्योंकि भारत सरकार जो है उन पर निर्भर कर रहा है, तब कब दिला पाएंगे?